कैपिटल गेन में हमने पढ़ा कि कैपिटल एसेट होना चाहिए और उसका ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें कॉम्बिनेट हो जाती हैं तो कैपिटल गेन चैप्टर में एंटर हो जाएंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि कैपिटल एसेट के लिए दो क्वालिटी होनी चाहिए कि ईदर इट शुड बी इमूवेबल या वो पर्सनल इफेक्ट ना रखती हो। तो दोनों में से अगर कोई भी एक काम हो गया तो कैपिटल है। क्या कार कभी कैपिटल एसेट हो सकती है? हो सकती है अगर वो बिजनेस की हो, ऑफिस पर्पज से हो। मेरी पर्सनल बाइक नहीं होगी, मेरा पर्सनल घर, क्योंकि वो इमूवेबल है। तो इमूवेबल तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि लेक्चर ध्यान से सुना नहीं इसलिए कन्फ्यूजन है, जबकि उसमें बार बार आप सुन सकते थे। तो ये बात तो हमारी बात हो गई कि कैपिटल। इसके अलावा कुछ चीज़ों को कैपिटल एसेट हमेशा मानेंगे, जैसे शेयर सिक्योरिटीज है, हमेशा मानेंगे ही मानेंगे। ज्वेलरी है, चाहे वो पर्सनल है कुछ है, इन्हें मानेंगे ही मानेंगे, ठीक है। और आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ये सब पेंटिंग्स, इन सबको मानेंगे मानेंगे। कुछ को कभी भी नहीं मानेंगे, जिसमें गोल्ड बॉन्ड्स आ गए थे, जिनके अंदर स्टॉक एंड ट्रेड आ गया, जिसमें भाई अब मैं ज़मीनें खरीदने बेचने का काम करता हूँ, तो ये तो PGBP हुआ ना, बिजनेस प्रोफेशन हुआ, इसका कैपिटल गेन से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा रूरल एग्रीकल्चर, बट गांव क्या है क्या नहीं है, मैंने बोला भी अपने रिकॉर्डेड में कि मुरादाबाद को वो मुंबई वाला गांव मानेगा, लेकिन उसके कहने से गांव नहीं होगा। तो कैसे रूरल होगा या नहीं होगा, इसके लिए फिर एरियली, जब मैं जीना चढ़ रहा था तो मैं ये सुन रहा था कि एरियल वाली बात चल रही थी, शायद आप तब सुन रहे होंगे। तो एरियली लिमिट नापेंगे, और अगर जो है 10,000 से कम पॉपुलेशन है तो हमेशा ही रूरल है, अदरवाइज जो है 10,000 से लाख में फिर वो 2 किलोमीटर एंड देन फिर 6 किलोमीटर और फिर 8 किलोमीटर। तो म्यूनसिपलिटी लिमिट से, ना कि म्यूनसिपलिटी ऑफिस से, तो उसके बियॉन्ड जाएंगे तो, यानी 2 किलोमीटर तक के अंदर है तो वो शहरी है, 2 से बाहर होते के रूरल होगा। 1 लाख से 10 लाख में 6 किलोमीटर तक है तो शहरी है, उससे बाहर होगा तो गाँव का होगा, और 10 किलोमीटर के बाहर हो जाएगा तो, इसमें जेल का कुछ एग्जाम्पल लिया होगा हमने कि वो एक होता। तो कुल मिला के ये सारी बातें हो गई। ट्रांसफर अभी नहीं बताया, बट ये बताया कि सेल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफर होती हैं, जिसमें एक रेलवे ट्रैक का एग्जाम्पल लिया होगा कि रेलवे वाले अगर आपकी लैंड कंपलसरीली एक्वायर्ड कर लेते हैं तो आपने इसे सेल नहीं करा बट आपके हाथ से लैंड चली गई, तो ये भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर होता है। सो इलैबोरेटेड अगर करेंगे तो 2 बातें देखेंगे हम कि कैपिटल एसेट्स क्या होती हैं और ट्रांसफर किसे बोलते हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कैपिटल गेन चैप्टर में बस एंटर होंगे। उसके बाद आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्यों? क्योंकि आज नोट्स और बुक्स नहीं है, तो हम आज लेके चल रहे हैं एक टॉपिक, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यानी जब भी कैपिटल गेन होगा तो उसके 2 बातें होंगी, या तो वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म। तो आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कैपिटल गेन हुआ, आप हमेशा ये बोलेंगे कैपिटल गेन हुआ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के रूल्स बिल्कुल अलग है, शॉर्ट टर्म के रूल्स बिल्कुल अलग है। लॉन्ग टर्म टर्म से पता लग रहा है, पीरियड से पता लगेगा लॉन्ग टर्म है नहीं। तो सबसे पहले होल्डिंग पीरियड की बात करेंगे, इन केस ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज मोर देन 12 मंथ, लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज की बात है, लिस्टेड शेयर्स और सिक्योरिटीज हैं तो मोर देन 12 मंथ। सेकेंड, इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग
एंड अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज मोर देन 24 मंथ. और थर्ड है एनी अदर एसेट मोर देन 36 मंथ. यही है. तो दीज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म. यानी अगर मैं एक प्लॉट खरीदा हुआ है मैंने और उसे मैं 26 महीने हो गए मुझे खरीदे और आज मैं बेच रहा हूं, तो जो भी मुझे गेन होगा दैट इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अगर मैं 14 महीने बाद उस प्लॉट को बेच रहा हूं शॉर्ट टर्म होगा. 14 महीने बाद रिलायंस के शेयर बेच रहा हूं लॉन्ग टर्म होगा. 14 महीने बाद स्टूडेंट ब्राइड के शेयर बेच रहा हूं शॉर्ट टर्म होगा. समझ रहे ना. ज्वेलरी बेच रहा हूं 26 महीने के बाद लॉन्ग टर्म. ज्वेलरी कहां आएगी मैडम, पहले पॉइंट में आएगी ज्वेलरी? नहीं. लिस्टेड शेयर सिक्योरिटी. दूसरे पॉइंट में आएगी लैंड एंड बिल्डिंग है अनलिस्टेड शेयर है? नहीं. तीसरे पॉइंट में आएगी ज्वेलरी? हाँ. तो 36 महीने से ज्यादा होने पर लॉन्ग टर्म होगा ना. तो अगर मैं ज्वेलरी 26 महीने बाद बेच रहा हूं तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म. मैं अपना ये पर्सनल मोबाइल 26 महीने के बाद बेच रहा हूं. पर्सनल मोबाइल 26 महीने के बाद बेच रहा हूं तो ये कैपिटल गेन ही नहीं होगा. ये थोड़ी ना 26 महीने तो अपना शुरू हो गए. पहले ये तो देखो कैपिटल एसेट है या नहीं है. तो पर्सनल मोबाइल है तो इससे तो बात ही खत्म हो गई, पहचान लेंगे. स्टूडेंट प्राइड के शेयर 26 महीने बाद बेचेंगे लॉन्ग टर्म. 16 महीने के बाद बेचेंगे. रिलायंस के शेयर 16 महीने के बाद बेचेंगे लॉन्ग टर्म. रिलायंस कहां गया? फर्स्ट पॉइंट में. स्टूडेंट प्राइड सेकंड पॉइंट में. तो शॉर्ट टर्म में जस्ट इसके अपोजिट है. तो जस्ट इसका अपोजिट है. ठीक है जी. इसके बाद डिफरेंस चार्ट में और लिखेंगे. यानी डिफरेंस चार्ट में मैं इसे बोल रहा हूं ए पॉइंट होल्डिंग पीरियड से. अब मैं आ रहा हूं बी पॉइंट पर. इंडेक्सेशन इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट डिबेंचर्स और इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड. अभी बताएंगे ये बात क्या होती है. इंडेक्सेशन इज नेवर रिक्वायर्ड. सी ऑल एग्जम्पशंस फ्रॉम सेक्शन 54 टू 54 जी बी आर अवेलेबल.
एग्जम्पशंस, अभी ये समझने नहीं है पॉइंट, अंडर सेक्शन 54B, 54D, 54G आर अवेलेबल, अभी समझने नहीं है, बी और सी नहीं समझ रहे। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि कोई एसेट बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। जस्ट सिंपल है, तीन बातें ध्यान रखनी है, लिस्टेड सिक्योरिटी 12 महीने, अनलिस्टेड सिक्योरिटी लैंड एंड बिल्डिंग 24 महीने, बाकी जो बचा वो 36 महीने। बाकी सर में क्या बचेगा, तो ऑब्वियसली ज्वेलरी बचेगी या पर्सनल वो ऑफिशियल कार बचेगी, सारी चीज़ें। एक नीचे नोट लिखेंगे, इफ वो इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट ऑलवेज एसटीसीजी विल अराइज इररेस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट ऑलवेज एसटीसीजी विल अराइज इररेस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड। डेप्रिशिएबल अगर एसेट है जो भी होगा तो उसमें फिर वो नहीं देखेंगे 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। ये क्या है, ये सारे अभी नोट्स बनवा रहा हूँ, धीरे धीरे जब इन्हें एलेबरेट करूंगा तो आ जाऊंगा कि भैया देखो मैंने ये लिखा है तो इसका मतलब ये है, बट सिस्टमेटिक नोट्स बन जाएंगे। तो अभी तक सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कैपिटल गेन चैप्टर में आने के लिए कैपिटल एसेट होना जरूरी है, ट्रांसफर होना जरूरी है। अगर आ गए तो उसके बाद जो कैपिटल गेन होगा वो या तो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में डिपेंड करता है कि हमने कितने पीरियड अपने पास रखा है, और उसके बाद फिर जो है ये बात आएगी। देन इसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, आखिर कैपिटल गेन होगा कैसे। तो अभी पिछले चार्ट का सिर्फ ए पॉइंट हमने समझा, बी सी और नीचे नोट पर अभी कोई ध्यान नहीं दिया। कैपिटल गेन होता कैसे है बेटे, सबसे पहले लिखते हैं नेट सेल्स कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ये घटाने के बाद या तो बनेगा LTCG या बनेगा STCG। सर क्या कहना चाहते हैं आप, पहले आप नोट कर लीजिए। क्या कहना चाहता हूं मैं, एक सिंपल सी बात है कि अगर आपको किसी के भी गेन निकालना है तो क्या करोगे, सेल माइनस कॉस्ट, या इसके लिए भी लॉ मेकर्स बताएंगे कि साहब क्या होगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेल नेट वर्ड का लिखने का मतलब है सेल से रिलेटेड अगर कुछ खर्चे होंगे तो कट जाएंगे। अरे मैंने 10 लाख रुपए में एक जमीन बेची, ब्रोकर ब्रोकर ले गया उसने तो 50,000, तो वॉट इज माई सेल कंसिडरेशन, 9.5 लाख। मैंने शेयर बेचे उसमें यार बेचने बेचने में ब्रोकरेज ये वो सब अनसन चला जाता है तो मेरे को तो नेट ही आएगा, इसलिए नेट सेल कंसिडरेशन। आई विल एक्सप्लेन इट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने कितने में खरीदा था, से एक लैंड एंड बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने एक बिल्डिंग 10 लाख की खरीदी थी, आज मैंने उसे 60 लाख में बेचा,
पर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर खरीदा था, दो फ्लोर और बना दिए 20 लाख के। तो जब खरीदी थी 10 लाख थी, बेची 60 लाख, तो अगर 60 माइनस 10 होगा या मैंने बीच में जो लगाया वो भी होगा, जो वो भी लगाया वो भी मेरी कॉस्ट होगी, तो डिफरेंस ही तो आएगा ना। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी आसानी से बात समझ में आती है। पर टेक्निकलिटीज क्या है वो तो है ही है, लेकिन अगर जनरल नगर से देखें तो साहब नेट सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब देखना पड़ेगा ये साहब आप कितने साल रखा हुआ एसेट बेच रहे हैं, उससे डिपेंड होगा ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। अच्छा एग्जैक्ट 12 महीने वाली चीज कहां जाएगी, एग्जैक्ट 24 या एग्जैक्ट 36 नीचे, मतलब शॉर्ट टर्म में जाएगी या लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। ये एक हमने आपको स्टार्टिंग में एक थंब रूल दिया था कि आपको घबराने की कभी कोई जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट वाली चीजें नीचे काउंट होता है। तो वो तो आपने भी इंट्रोडक्शन लेक्चर में सुना ही होगा, मैंने रिकॉर्डेड में बताया था। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आता है। अब हम इन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं, व्हाट इज नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन क्या है, ग्रॉस सेल्स कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। भाई यही तो होगी ना, ग्रॉस में से कुछ घटा देंगे, अभी तक तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चल रहे हैं। अब क्वेरी आती है ये क्या होगा, अब ये क्या होगा, जितने में बेचा वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होगा जरा सुनिए, मैंने एक प्लॉट खरीदा 10 लाख का, आज मार्केट वैल्यू है 1 करोड़, तो कितने में बेचूंगा, 1 करोड़ में, 1 करोड़ में बेचूंगा तो 90 लाख का गेन हो जाएगा। टंडन साहब हमारे पास आते हैं, बोले साहब हमें आपका प्लॉट पसंद आ गया, खरीदना है, हमने कहा 1 करोड़ में बेचेंगे, बोले ठीक है। मैंने कहा तुम पे हैं वाइट पैसे 1 करोड़, ये भी अपने वाइट को खराब नहीं करना चाहता, ब्लैक पैसे कह रहे नहीं है। मैंने कहा और मैंने भी अगर 1 करोड़ ले लिए तो गेन बहुत हो जाएगा, तो एक काम करो तुम 11 लाख रुपए में सौदा तय कर लो, बाकी एक बैग दे जाओ मुझे मेरे घर पे। तो इससे क्या होगा, 10 लाख की चीज मैंने भाई साहब को कितने में बेच दी, 11 लाख में, इसके पैसे कितने लगे केवल 11, स्टैंप ड्यूटी कितने पे जाएगी रजिस्ट्री के से 11 लाख में, सब कुछ कितना आराम से सरकार का बना के हम लोग बैठ गए, मेरे पे ब्लैक पैसा आ गया, मैंने भी आगे किसी लैंड को खरीद लिया। भाई ऐसा थोड़ी ना मैं ब्लैक का क्या करूंगा, मैंने आगे कोई 2 करोड़ की लैंड ली, उसे मैंने ऐसे सस्ते में खरीद लिया, ये वाला बैग मैंने उसे दे दिया, उनने आगे दे दिया, ये बैग चलते जा रहे हैं, सबके घर होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है कैपिटल गेन चैप्टर बनाया था हमने, कहा वो तो किताबों में ही रह गया। बोले और वो रजिस्ट्री वालों की तो सैलरी ही नहीं निकल रही, सरकार से मदद लेनी पड़ रही है। तो गवर्नमेंट बोली ये नहीं होता, इसकी एक्सप्लेनेशन ऐड होगी ग्रॉस सेल कंसिडरेशन की, क्योंकि जो तुम मुंह से बोल दोगे वो तो हमेशा ही झूठ होगा। तो इस ग्रॉस सेल कंसिडरेशन के लिए उन्होंने कहा इसके लिए साहब हमारी कुछ बातें हैं वो समझनी पड़ेंगे, यानी डीम्ड के कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे। यस सर्किल रेट, सर्किल रेट ये सेक्शन 56 में भी डिस्कशन आया था, क्योंकि अगर इनकम टैक्स में डीमिंग प्रोविजन नहीं लगाएंगे ना तो आपको पता है ये किताबें धूल वाली रह जाएंगी और सीए के ऑफिस में खाली रह जाएंगे। कल हम पे इतना प्रेशर था, कल हम 12 बजे गए, परसों तो मेरा सारा स्टाफ 2 दिन पहले आया था और कल रात को 12 बजे गया है, मतलब गया ही नहीं यहाँ से, यहीं सो रहा था 2-3 दिन से। तो इतना टेक्निकलिटीज होती हैं, तो वो क्यों है, क्योंकि ये सारे डीमिंग प्रोविजन है। और जब भी रूल्स लॉ टफ बने तो मैंने आपको बताया आप लोग खुश होना चाहिए कि आम आदमी को समझ में नहीं आएगा, तो आप जितना टफ हो उतना खुश हुआ करिए, बोले बहुत बढ़िया। तो बहरहाल ग्रॉस सेल कंसिडरेशन अब इसको समझते हैं, तो यानी दोनों बातें ये समझनी पड़ेंगी। मैं धीरे धीरे पूरे फॉर्मेट तो खत्म हो गया, सबसे छोटा फॉर्मेट है, 15 क्लास आपको बोला ही मैंने कल के लेक्चर में, 15 क्लास लगेंगी इसमें। और जो जो अमेंडमेंट होगी ना वो मैं हाथों हाथी नोट्स में बना दूंगा, तो हो सकता है वो बुक से टैली ना करे बट हम अमेंडेड ही पढ़ेंगे। तो ग्रॉस सेल कंसिडरेशन के लिए
इसकी एक्सप्लेनेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब खाली लैंड भी चलेगा, लैंड एंड बिल्डिंग भी चलेगा। केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सेक्शन लगता है 50C, 50C, जो कहता है सेल्स कंसिडरेशन ग्रॉस वाला, ग्रॉस सेल्स कंसिडरेशन इक्वल्स टू स्टैंप वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। स्टैम्प वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल इज टेकन इफ कंसिडरेशन इज पेड, पार्ट कंसिडरेशन इज पेड थ्रू अकाउंट टू अकाउंट, दैट इज बैंकिंग मोड। ये बात सेक्शन 56 में भी आई है, समझाता हूं मैं आपको, आराम आराम से समझते हैं, कोई बात नहीं है। स्टैम्प वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल इज टेकन इफ पार्ट कंसिडरेशन इज पेड थ्रू अकाउंट टू अकाउंट, दैट इज बैंकिंग मोड। मैं समझाता हूं आपको, हमने 1 अप्रैल को एक इनसे लैंड खरीदने की बात करी, उस दिन लैंड का सर्किल रेट था 1 करोड़, मैंने इन्हें 2 लाख का चेक देके बयाना दे दिया, 6-8 महीने का टाइम ले लिया, 1 करोड़ की पेमेंट थी। 8 महीने बाद रजिस्ट्री का नंबर आया, बीच बीच में पेमेंट्स होते रहे, उस दिन स्टैम्प वैल्यू हो गई 1.5 करोड़। सामने वाले को 1 करोड़ सेल कंसिडरेशन मानना है 1.5 करोड़, तो उसने एग्रीमेंट जिस दिन किया उस दिन स्टैम्प वैल्यू कितना था 1 करोड़, जिस दिन रजिस्ट्री हो रही है उस दिन 1.5 करोड़, तो कहते हैं आप एग्रीमेंट की डेट को मानिए 1 करोड़। अब लेकिन इसमें एक चलाकी, हम लोग तो पूरा लॉ के लिए चलाकी रखेंगे, ट्रांजेक्शन जिस दिन हो रही है वो 1.5 करोड़ है, बट पीछे 1 अप्रैल को 1 करोड़ था, तो मैंने बोला कि मैं तुम्हें 1.5 करोड़ में नहीं दिखा रहा, तुम ये दिखाओ कि तुमने मुझे 1 अप्रैल को कुछ पैसे दे दिए थे स्टैम्प, उस दिन का हम कुछ स्टैम्प खरीद लेंगे और एक एग्रीमेंट बना लेंगे कि हमने 1 अप्रैल को भेज दिया था आपको। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे तो कोई भी बैक डेट का एग्रीमेंट बना देगा, क्या अगर 1 अप्रैल को मैंने आपको बेचने का सौदा किया था तो क्या उस दिन मैंने कोई कंसिडरेशन लिया था, कैश कंसिडरेशन की कोई बात नहीं चलेगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो स्टैम्प वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। जरा सुनिए, मैंने अभी एक प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी का सर्किल रेट था 60 लाख, बेची जितने में भी होगी 60 लाख सर्किल रेट था, 60 लाख सर्किल रेट था, मुझ पर कैपिटल गेन आ रहा था, अब कोई चॉइस नहीं थी, मैंने खरीद, मेरी खरीद 50 लाख थी, बेच कितने की थी 60 लाख, अब 60 लाख से मुझ पर क्या आ रहा था कैपिटल गेन, अब कैपिटल गेन आ रहा था तो मेरी हवा संट हुई, मैंने कहा अब क्या करूं, लेकिन कोई चॉइस तो है नहीं, 60 लाख का 60 लाख में दिखाना पड़ेगा, तो मैंने 60 लाख में ही दिखाया। पर मैंने बायर से कहा कि जो तू स्टैम्प खरीदेगा, भाई आप मेरे से लैंड खरीद रहे हैं तो रजिस्ट्री कराएंगे नहीं कराएंगे, हम क्लॉज ये डाल देते हैं कि रजिस्ट्री का खर्चा मैं बियर करूंगा, करोगे तुम ही, लेकिन उसकी पेमेंट चेक से मैं करूंगा, तो है क्या, जरा मेरी बात समझिए,
ग्रॉस सेल कंसिडरेशन 60 लाख हुआ ना, अब एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हमने अपनी रजिस्ट्री में लिखाया कि साहब गौरव गुप्ता जो बेचेंगे उसमें बायर ये कह रहा है कि 60 लाख में बेचोगे लेकिन मेरे को पूरी रजिस्ट्री करा के दोगे, यानी इसके स्टैम्प भी मैं खरीदूंगा 6 लाख के, खरीदूंगा नहीं मैं पागल नहीं हूं, वो तो बैग और वो सब हो गया। अब मेरा कंसिडरेशन कितना बन गया 54 लाख, यहां से 54 लाख में कहानी शुरू हुई, नेट सेल कंसिडरेशन 54 लाख। अब आदमी कहेगा साहब ऐसे थोड़ी ना होता है, तो मैं कहूंगा ऐसा हुआ, मैं क्या कर सकता हूं, और मैंने इनकम टैक्स का कोई लॉ ब्रेक नहीं करा बिकॉज डेफिनेशन कहां शुरू हुई थी, ग्रॉस सेल कंसिडरेशन। ठीक है साहब, वो तो धीरे धीरे अब वो चैप्टर्स आ गए जहां हम लोगों के रूल्स शुरू होते हैं, अब कुछ मैं बताऊंगा, कुछ थोड़ा ये है कि आप फाइनल का भी क्रेज होना चाहिए, तो ठीक है, तो ये यहां तक की बातें साहब समझ में आती है। इन केस ऑफ, अच्छा अब इसमें एक बात समझिए, कई बार एक बड़ी परेशानी आती है, परेशानी क्या आती है, स्टैम्प वैल्यू है 60 लाख उस जगह की, लेकिन सामने शमशान, बिकने को तैयार नहीं हो रहा, एक ग्राहक मिला बोले 50 लाख में बेच लूंगा, देना है तो बता वरना भूल, मैंने कहा साहब जान बचाओ मैंने 50 में बेचा, अब इनकम टैक्स वाला कह रहा है बेचा 50 में, यानी मैंने एक्चुअली में चोट खा ली, एक तो मेरी 60 की चीज कितने में गई 50 में, इनकम टैक्स कह रहा है मैं 60 पे टैक्स लगाऊंगा, क्या ये जेन्युइनिटी है ये लॉ बनना, कई बार ऐसी समस्या आएंगी नहीं आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी, तो इस समस्या के लिए एक हल है साहब, इफ वैल्यूएशन ऑफिसर नहीं, इफ सेल कंसिडरेशन इज लेस देन स्टैंप वैल्यू देन असेसिंग ऑफिसर कैन रेफर दिस केस टू वैल्यूएशन ऑफिसर एंड इफ ही एग्रीज देन लेसर वैल्यू एक्सेप्टेड बाई वैल्यूएशन ऑफिसर is considered as sales consideration। मतलब बच्चों क्या है, अगर सेल consideration लेस हो जाता है स्टैम्प वैल्यू से तो assessing officer refer कर सकता है इस केस को valuation officer को, उनके अपने पैनल में होते हैं, एंड इफ ही एग्रीज, और अगर वो एग्री हो जाता है कि लेसर वैल्यू एक्सेप्ट करनी चाहिए, एग्रीज देन एग्री हो जाता है, देन लेसर वैल्यू एक्सेप्टेड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर इज कंसीडर्ड एज सेल कंसीडरेशन। यार उनका अपना एक वैल्यूएशन ऑफिसर होता है, हमारे पास कई बार समस्या आती है साहब इस टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा है मैं तो इतने में बेच ही नहीं रहा, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा अब एक नई बात है, मेरे पड़ोस में स्टैम्प वैल्यूएशन वाला रहता है, मैंने 1 करोड़ का एक माल बेचा लेकिन 60 लाख उसकी सर्किल रेट है, पहले बताओ मैं कितने में दिखाऊंगा, मतलब कितने में बेचूंगा ये बताओ, 1 करोड़ मार्केट वैल्यू है 60 लाख सर्किल रेट है, 1 करोड़ में एक्चुअल बेचूंगा, बुक्स वाइट में कितने पैसे लूंगा 60 लाख, हर आदमी यही करेगा। वैल्यूएशन ऑफिसर को पता लग गया माल 1 करोड़ में बिका है, उनने बोला ना 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 हायर वैल्यू 1 करोड़ ली जाएगी, बताइए क्या होगा, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। वैल्यूएशन ऑफिसर केवल लेसर वैल्यू के लिए होता है, वैल्यूएशन ऑफिसर कैन नॉट फोर्स टू शो हायर वैल्यू देन स्टैंप वैल्यू।
गेटिंग माई पॉइंट? बहुत आराम आराम से पढ़ाने वाला हूं, मतलब मेरी आवाज ही हल्के हल्के निकलेगी इस चैप्टर में, कि एक एक पॉइंट समझ लो, क्योंकि जीवन भर काम आएगा। अधिकतर जमीनों से ही लोग पैसा बनाते हैं और टैक्स देने का किसी का मन नहीं होता। बताया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है, नेट सेल कंसिडरेशन के बारे में बात हो गई, जिसमें बात हो गई कि ग्रॉस सेल कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस इक्वल्स टू नेट सेल कंसिडरेशन, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटेगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट घटेगा, एंड देन या तो LTCG आएगा या STCG आएगा। ये डिपेंड किस चीज पर करेगा, LTCG आएगा या STCG आएगा, कि हमारा होल्डिंग पीरियड क्या है। ठीक है जी, इसके बाद ग्रॉस सेल कंसिडरेशन में एक और पॉइंट है, इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स ग्रॉस सेल्स कंसिडरेशन इक्वल्स टू बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स। अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स के केस, तो अनलिस्टेड शेयर्स ऑब्लिक अनकोटेड भी कर सकते हैं, अनकोटेड, अभी बताता हूं अनकोटेड का क्या मतलब है। इसको कर लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू इज डिसाइडेड एज पर रूल 11UA, एक्चुअली में क्या होता है, कंपनियां बेची जाती थी। देखिए होता क्या था, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। एक कंपनी की, जैसे मुझे ना एक लैंड खरीदनी है, थोड़ा इस पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, कहानी क्या है, क्यों आया। मेरे को 1 करोड़ की एक लैंड मिल रही है, जिसको मुझे आगे बाद में बेचना होगा, 1 साल 2 साल जब भी अच्छा पैसा मिल जाए। अब प्रॉब्लम क्या है, 1 करोड़ की लैंड का अगर सर्किल रेट 2 साल बाद 3 करोड़ हो गया, तो मुझे कितने में बेचनी पड़ेगी, 3 करोड़ में ही, तो मेरे पे 2 करोड़ का गेन हो जाएगा। एज पर 50C इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन क्या होता है, सर्किल रेट स्टैम्प वैल्यू। तो मैंने सोचा, मैंने क्या करा, वो लैंड 1 करोड़ की खरीदी एक कंपनी बना के, गौरव गुप्ता निधि गुप्ता दोनों ने कंपनी बनाई, कंपनी बना के एक लैंड एक्वायर कर ली 1 करोड़ की। उसके बाद वो लैंड जब 3 करोड़ की हो गई तो मुझे बेचनी है, तो मैंने लैंड ना बेच के शेयर बेच दिए, लैंड ना बेच के शेयर बेच दिए। देखिए आप जरा बैलेंस शीट समझिए, बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल 1 करोड़ लगाई, लैंड 1 करोड़ की ली, बैलेंस शीट क्लोज्ड हो गई। ये उस दिन की है जब मैंने खरीदी, जब मैंने लैंड खरीदी, तो मैंने एज ए शेयर कैपिटल 1 करोड़ इंट्रोड्यूस करा, लैंड भी कितने की हो गए, 1 करोड़। 2 साल बाद लैंड का फेयर मार्केट वैल्यू 3 करोड़ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना शो हो रहा होगा, 1 करोड़। अब मैंने क्या करा, ये थे जीजी एंड फैमिली वॉज द शेयर होल्डर। अब इस जीजी एंड फैमिली ने अपने शेयर बेच दिए एक्स वाई जेड को, 1 करोड़ के शेयर कितने में बेच दिए, 1 करोड़ में। ये लैंड किसकी हो गई, ये लैंड किसकी हो गई, एक्स वाई जेड की। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा था, इसमें अब बायर के लिए भी उन्होंने सेक्शन 56 में लगाया कि बायर फेयर मार्केट वैल्यू से कम में शेयर नहीं खरीद सकता, और सेलर को भी लगाया, सेलर को बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि आप शेयर 1 करोड़ के 1 करोड़ में बेच लेंगे, इसका क्या निकालना पड़ेगा शेयर का, FMV। FMV निकालने में फिर एक रूल 11UA फॉलो करना पड़ेगा, जो फिर लैंड का वैल्यूएशन कराएगा। लैंड का वैल्यूएशन 3 करोड़ होगा, लेस आउटसाइड लाइबिलिटी, आपको पता ही है ना कैसे निकलता है, ये 3 करोड़ आ जाएगी, 3 करोड़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर, तो वैल्यू
और शेयर यानी शेयर होल्डर फंड कितना क्या आ जाएगा 3 करोड़ का. सो आई कैन नॉट सेल द शेयर्स लेस देन 1 करोड़. अब क्या हुआ साहब सुनिए जरा, इस लैंड की वैल्यू हो गई है 50 करोड़. एक करोड़ की खरीदी थी, बाद में वहां पे एमडीए ने एक्विजिशन कर लिया या जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्विजिशन कर लिया, वहां एयरपोर्ट आ गया, अनसेंट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सर्कल रेट 50 करोड़ हो गए 5 साल में. अब इसकी हवा संट हो गई कंपनी की, बोले यार ये बेचना तो है माल, लेकिन 49 करोड़ अगर इंडेक्सेशन अभी मैंने सिखाया नहीं है, अगर उसको छोड़े 49 करोड़ पे जो टैक्स लगेगा उसमें तो हवा संट हो जाएगी, और टैक्सेशन देना हमारे धर्म में नहीं है ये मान के चलते हैं यहाँ के लोग. तो वो किसके पास पहुंचे, एक प्रोफेशनल के पास, बोले साहब मदद करो. प्रोफेशनल बोला मैं काम कर सकता हूँ, मैं आपका टैक्स सारा बचा लूंगा, आई नीड 50 लाख रुपीज. अब आप जरा देखिए 1 करोड़ और 50 करोड़ का डिफरेंस, 49 करोड़ 49 करोड़ का 20% टैक्स 9.8 करोड़, 10 करोड़ मोटा मोटा 10-11 करोड़, और अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो 30% चला जाएगा, तो 15 करोड़ रुपए का टैक्स है. 50 लाख की डील कैसी लग रही है? पर मैंने कहा 50 लाख रुपए लूंगा और 10-12 लाख रुपए मेरे कुछ आउट ऑफ पॉकेट होंगे. तो उन्होंने कहा आउट ऑफ पॉकेट क्या होता है? मैंने कहा रिश्वत को हम आउट ऑफ पॉकेट बोलते हैं, ऐसा होता है ना रिश्वत या सब कुछ खर्चे वर्चे, इनको ऐसे नहीं बोला जाता कि रिश्वत देनी है, तो इसका एक ठीक ढंग से बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में आउट ऑफ पॉकेट, जिसमें कुछ और भी खर्चे होते हैं. तो बहरहाल मैंने बोला कि मैं कर दूंगा 50 लाख, आई नीड 50 लाख रुपए. डील डन हो गई. अब बताओ करूंगा कैसे? मैं इस कंपनी को रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दूंगा. मैं एक स्टॉक एक्सचेंज के पास जाऊंगा, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, झंडू स्टॉक एक्सचेंज, जो भी है भाई, बॉम्बे और नेशनल वाले में तो बहुत फॉर्मेलिटी है, इसके अलावा छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंज में वहां लिस्ट करा दूंगा. मैं बोलूंगा कि जो है हम लिस्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी, हम पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं, शेयर इशू करेंगे, धीरे धीरे बड़े होके हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये होंगे वो होंगे, और वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की कुछ फीस देंगे और कुछ आउट ऑफ पॉकेट आप समझते हैं वो सब होगा के हमने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दिया. नाउ माई कंपनी इज लिस्टेड कंपनी. आप मेरे कंपनी लॉ वाले ऑफिस में जाइए, लिस्ट करा दूंगा मैं आपकी कंपनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब मेरे यहाँ ऑफिस में सेक्शंस है ना, जीएसटी का सेक्शन है, कंपनी लॉ का है, और ये कंपनी लॉ हमारा कोर एरिया है, तो हम लिस्ट करा देंगे, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. लिस्ट करा दी. लिस्ट कराने के बाद योर कंपनी इज नाउ लिस्टेड. 50 CA किस पर था? अनलिस्टेड कंपनीज पर. सेक्शन 56 में घुसो. 56 में अब देखिए, अब क्या करा, अब हमने जीजी ने XYZ को 1 करोड़ में शेयर बेच दिए. 1 करोड़ में बेचे तो पहले XYZ खरीदने वाले के पीछे पड़ गए सेक्शन 56 लेके. तो उसने कहा भाई साहब वहां साफ लिखा है अनलिस्टेड, मैं किस कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ? लिस्टेड. इसमें फेयर मार्केट वैल्यू, एलयू ये सब का कोई रोल नहीं है. भगा दिया. बोली बात समझ में आ रही है मेरी? देन फिर साहब वो 50 CA लेके सेलर के पास पहुंचे. सेलर से बोला तेरी FMV निकलेगी, तो 1 करोड़ के शेयर कितने में बेचने हैं वो देखा जाएगा. वो कह रहा साहब आप किससे बात कर रहे हो? वी आर लिस्टेड नाउ. हम पिछले साल अनलिस्टेड थे, अभी तो हम 1 करोड़ के शेयर किस में बेच देंगे? 1 करोड़ में बेच दें, कितने में बेच दें, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? सीए साहब को एक बैग गया है, उन्होंने सब काम कराया हमारा. गवर्नमेंट का बेवकूफ बन गया. गवर्नमेंट को अब ये लैंड 50 करोड़ की XYZ पे प्यार मोहब्बत में 1 करोड़ रुपए में आ गई. गवर्नमेंट ने कहा हम गलती कर रहे हैं अनलिस्टेड वर्ड लिखकर, हम इस वर्ड की जगह अनकोटेड लिखेंगे. अब टर्म अनकोटेड की एक्सप्लेनेशन समझनी पड़ेगी. इतना डीप है नहीं वैसे सीए इंटर में, बट अब बात छिड़ गई तो मैंने कहा थोड़ा इंटरेस्टिंगली समझा देता हूं. अनकोटेड की डेफिनेशन में है जो पब्लिक लिस्ट है बट जिसपे पब्लिक का ट्रेडिंग बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब वो लिस्ट की गई है फॉर अ सर्टेन पर्पस, तो उसके शेयर कोटेड नहीं है. कोटेड वो है जो पब्लिक का, जिनमें डील हो रहा हो बहुत ज्यादा.
तो अनकोटेड का बहरहाल डेफिनेशन में मैं नहीं जा रहा, बहरहाल लिस्टेड होने का मतलब ये नहीं कि आप अनलिस्टेड वर्ड काट दिया, अनकोटेड कर दिया। अब ये खेल जो हुआ तो गवर्नमेंट ने बोला अल्लाह हम तुम अनलिस्टेड से लिस्टेड हो गए बट तुम कोटेड नहीं हो, वॉल्यूम दिखाओ ना कितना पब्लिक तुम्हारे शेयर खरीदती है रोज। कह रहा रोज तो कुछ नहीं खरीदती, तो फिर ये क्यों लिस्ट हुई है, इसी काम के लिए हुई है, भूल जा। तो गवर्नमेंट ने अनलिस्टेड वर्ड को काटकर क्या कर दिया, अनकोटेड। इसलिए मैंने जानबूझ के पहले अनलिस्टेड लिखा फिर अनकोटेड करा, जानबूझ के पहले बुक वैल्यू लिखा फिर फेयर मार्केट वैल्यू करा, सो दैट चीजें थोड़ा सा ग्रेस्प हो। समझ में आया? अगर ये बात यहां ना उठती और सिर्फ रियल एस्टेट पे रह जाती, सिर्फ वो 50C लगा के छोड़ दे, 50C अभी आया एक दो साल पहले, 50C बहुत पहले से, अगर वो 50C लगा के ही छोड़ देते कि साहब लैंड एंड बिल्डिंग सिर्फ सर्कल रेट पे बिकेंगी, तो लोग क्या करते, कंपनियों में लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लेते, शेयर चुपचाप झंडू खाने के पैसे में बेच के निकल लेते। तो लैंड एंड बिल्डिंग बिक भी गई और दिखी भी नहीं, टैक्स तो लुटा ही लुटा, स्टैम्प वैल्यू भी नहीं मिली, जो स्टैम्प ड्यूटी, भाई मेरी 100 करोड़ की लैंड हो गई, मैंने तो अपने शेयर बेच दिए, कंपनी तुम्हारी हो गई, लैंड तुम्हारी हो गई, सब बर्बाद हो जाते। तो गवर्नमेंट बोली ना 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 ना, लैंड बिल्डिंग हमारा पर्पज लैंड एंड बिल्डिंग ही है, बट उसके लिए नाटकबाजी शेयर्स की होगी, शेयर को भी पकड़ो। गेटिंग माय पॉइंट? कोई प्रॉब्लम क्या? अब आपको लगता है कोई चांसेस हैं? पार्टनरशिप फर्म बना लो, LLP बना लो, शेयर पार्टनर्स तुम से हटके मैं हो जाऊंगा, अब तुम ज़्यादा चक्रों में मत पड़ो। बहरहाल अभी तक का जितना है उस हिसाब से अभी ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा प्लानिंग नहीं हो सकती, बाकी हो रही होंगी तो लोग अपनी फीसें लेके करेंगे ही प्लानिंग, ऐसे थोड़े ना ज्ञान बांटते फिरेंगे। तो कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया, यहाँ तक बातें क्लियर हैं? अब ग्रॉस सेल कंसिडरेशन पे हम वापस आते हैं। ग्रॉस सेल कंसिडरेशन का भैया मतलब क्या निकला कि ग्रॉस सेल कंसिडरेशन में हमने एक तो 50C का रिलेशन देख लिया, 50CA का देख लिया, इसके अलावा तो जो एक्चुअल कंसिडरेशन है दैट इज ट्रीटेड एज ग्रॉस सेल कंसिडरेशन। फिर आ जाते हैं हम एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ये क्या होंगे? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर में बच्चों ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स आर डिडक्टेबल, हाउएवर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर इज नॉट डिडक्टेबल। ये क्या होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अभी बताता हूं। मतलब ट्रांसफर से रिलेटेड खर्चे आप लेस कर देंगे, हाउएवर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर इज नॉट डिडक्टेबल। देखिए जब लिस्टेड शेयर्स बेचे जाते हैं तो गवर्नमेंट इनकी ट्रांजैक्शन पे, बेचे नहीं जाते, बेचे खरीदे जब दोनों केसेस में, गवर्नमेंट इनकी ट्रांजैक्शन पे यानी ट्रांजैक्शन दोनों में परचेज भी और सेल भी दोनों पे एक टैक्स चार्ज करती है STT। तो अगर मैं 100 रुपए का शेयर बेचता हूँ और सपोज उस पर 0.5% STT लग जाता है तो मेरा नेट सेल कंसिडरेशन 100 ही माना जाएगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। ये इस चैप्टर में, अगर आपका धंधा शेयर खरीदने बेचने का है तो PGBP चैप्टर में चले जाएंगे, वहां पे लेस होता है जब मैं पढ़ाऊंगा।
तो कैपिटल गेन में ये लेस नहीं होता है। सो अगर हम धीरे धीरे अपने चार्ट को समझें तो ग्रॉस सेल कंसिडरेशन इज एक्सप्लेन, नेट सेल कंसिडरेशन में कल मैंने एक प्लानिंग भी बताई थी कि मैंने किस तरीके से लैंड की परचेज पे एडजस्टमेंट कर लिया था। नाउ अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप समझ गए, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एक्विजिशन जितने में हमने खरीदा और इम्प्रूवमेंट अगर हमने उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट्स कराए हैं, उनमें भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं। उससे पहले मैं एक बात आपसे बात करना चाहता हूँ, सिर्फ एक मेरी जनरल बात है। मेरी बात यह है कि मैंने एक लैंड खरीदी 2001 में 1,00,000 रुपए की और आपके वाले PY में मैंने इसको बेच दिया 2,00,000 में। और सपोज सर्किल रेट भी 2,00,000 था तो इसका मतलब 2,00,000 में बेचा तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। अब मुझसे पूछा जा रहा है आप पे कैपिटल गेन कितना हुआ। 2000 में एक मैंने लैंड खरीदी 1,00,000 की और मैंने इसे बेचा 2,00,000 में, क्या लगता है कितना गेन है? 1,00,000 का। यानी हम क्या करेंगे, सेल कंसिडरेशन 2,00,000, सपोज कोई खर्चा नहीं किया तो 2,00,000 लेस कॉस्ट, एक्विजिशन ही होगा, इंप्रूवमेंट तो इसमें है नहीं। डिफरेंस क्या आ गया हमारा 1,00,000। LTCG है ये क्योंकि 24 महीने से ज्यादा है। गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स मांगा, जब गवर्नमेंट ने टैक्स मांगा तो हमारी आंखों में आंसू भरा है। क्यों आंखों में आंसू भरा है? 20 साल पहले 1,00,000 रुपए लगाए कहीं और आज 2,00,000 मिल रहे हैं और गवर्नमेंट कह रही है यू आर इन प्रॉफिट, टैक्स तो दीजिए। आपको लगता है बात सही है? आप 20 साल पहले 1,00,000 लगाए, आज आपको 2,00,000 मिले और उसको मैं बोला जाए यार तुम्हारे तो मजे आ गए, तुम तो प्रॉफिट में हो भाई, और तुमसे टैक्स लिया जाए, मतलब बैंकों में रखते 7 साल में डबल हो जाता, फिर उस डबल का फिर 7 साल बाद डबल हो जाता, यानी 4 गुना हो जाता, फिर 7 साल बाद उस 4 गुने का 8 गुना हो जाता। ओ माई गॉड, 8 गुना हो जाता, मैं डबल लिया हूं और डबल लेके मैं रो ही रहा था कि इनकम टैक्स वाले आ गए, उन्होंने बोला टैक्स और दे दूं। सो इट्स नॉट फेयर। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमने कहा सेल कंसिडरेशन से कॉस्ट घटा दो, बट यहां पे एक कैच है। कैच क्या है कि अगर एसेट लॉन्ग टर्म बन रही है तो आप इसकी इंडेक्सेशन कर लो। इंडेक्सेशन का मतलब टाइम के हिसाब से जो वैल्यू एप्रिसिएशन हुए वो आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, और इंडेक्सेशन करने के लिए उन्होंने एक इंडेक्स टेबल दिया है जिसका बेस ईयर है आपका 2001-2002 और आप किस ईयर में चल रहे हैं 2019-2020 में। वो कहते हैं 2001-2002 की इंडेक्सेशन 100 है, 100 अगर हम बात करें तो 2001-2002 में 100 है किसी भी चीज की वैल्यू और आज की डेट में कितनी हो जाएगी 289। और इसका इन्फ्लेशन जो है वो अगर मैं बात करूं आपसे तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, 1-2 का इन्होंने दिया हुआ है 100, जूम नहीं हो पा रहा है, 1-2 का दिया हुआ है 100 और फिर ऐसे मैं लिख देता हूं 100 105, फिर 3-4 का है 109, 3-4 PY, फिर ऐसे 113, ऐसे करके एक टेबल दी हुई है और करते करते हमारा वाला 19-20 का कितना आ जाएगा 289 और 18-19 का था 280। यानी अगर किसी ने 2001-2002 PY में अगर कुछ लिया है, 1 अप्रैल 2001 को कुछ लिया है तो उस दिन की वैल्यू क्या मानी जाएगी 100, या 2001-2002 में कुछ भी लिया है तो उस चीज की वैल्यू मानी जाएगी 100, जो इंक्रीज होते होते अब कितनी हो जाएगी 289। क्या सर ये इंडेक्स टेबल हमें याद करने नहीं, लेकिन आपको 100, 289 और एक इससे पहले वाला 280 याद होना चाहिए। क्यों पहले वाला, वो शायद आगे काम आएगा, आई विल डिस्कस इट। सो अभी अगर हम बात करें तो हम अपने वाले क्वेश्चन में वापस आते हैं। हमारे वाले क्वेश्चन में हम क्या आपसे बात कर रहे हैं कि इसने कब खरीदा 2001 में। कल हमने एक चार्ट अभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का एक डिफरेंस बताया था, उसमें पॉइंट नंबर 2 था इंडेक्सेशन करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म। तो अगर आप देख रहे हैं समथिंग इज लॉन्ग टर्म तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सेल कंसिडरेशन, उसके लिए 50C लगाना पड़ेगा तो लगाइएगा, या 50CA लगाना पड़ेगा, 50C और CA नहीं लग रहे जैसे ज्वेलरी वगैरह बेच रहे हैं तो जितने में बेच रहे हैं। बहरहाल 2,00,000 लेस करूंगा मैं
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा, 1 लाख, बट इट हैज बिकम लॉन्ग टर्म. कब खरीदा था, 2001 में, 100 इंटू क्या हो जाएगा, 289, 2,89,000 तो मेरी कॉस्ट है. क्यों कॉस्ट है, अरे बाबा मेरा पैसा फंस गया उसमें, जो अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ वो मेरी कॉस्ट बनेगी नहीं बनेगी, कॉस्टिंग के बच्चे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिकम्स द कॉस्ट. तो मेरा इंटरेस्ट बार बार जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, 289, मेरा 89,000 का यहाँ क्या हो गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस. तो जो मैं रो रहा था वो सही रो रहा था, बिकॉज यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकली क्या हुआ है, लॉस. वो तो 3 में भी बिकती तो भी लॉस ही था, बैंक में तो डबल से काफी ज्यादा हो जाता है, बट इस तरीके से लेना पड़ेगा. हाँ अगर ये शॉर्ट टर्म होता तो इंडेक्सेशन नहीं करना, एज इट इज घटेगा. तो आई थिंक पॉइंट नंबर 2 समझ में आया. अब मान लो ये डिबेंचर होते, 1 लाख की लैंड की जगह ये डिबेंचर होते और मैंने इन्हें 2 लाख में बेच दिया होता, तो सेल कंसिडरेशन 2 लाख और कॉस्ट कितनी होती है, मैंने 2001 में 1 लाख के डिबेंचर खरीदे थे, आज मैं 2 लाख में बेच रहा हूं, कॉस्ट क्या होती मेरी, 1 ही लाख होती, बिकॉज इसमें इंटरेस्ट मुझे हर बार एनकैश हुआ, मेरा कहीं कोई अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं हुआ. पॉइंट नंबर 2 जो मैंने लिखाया था, एक्चुअली मैं दोनों क्लास मर्ज करूंगा एक क्लास बनाने के लिए, तो मैंने जो इसमें लिखाया था उसमें मैंने ये बोला था कि इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के केस में इंडेक्सेशन नहीं करेंगे. कुछ बात समझ में आ रही है, इज देयर एनी प्रॉब्लम, लॉजिक समझ में आ रहे हैं ना. कैपिटल गेन टफ लगता है दुनिया को, बट मेरे साथ पढ़ोगे बहुत अच्छा लगेगा, आराम से हो जाएगा काम. तो अभी ये बात समझ में आई, क्वायरी सिर्फ ये उठी, सर अगर किसी ने 2001 से पहले खरीदा है तब क्या होगा, ये सभी 2001 के बाद ही आएंगे आपके पास. अच्छा किसी ने 2003-04 में खरीदा है, सपोज ये PY है बेटे, 2003-04 में खरीदा है तो हम 2003-04 का ले लेंगे, 109 है तो डिवाइडेड बाई 109 इंटू क्या कर देंगे, 289, ठीक है जी. अब लेकिन अगर किसी ने 2001 से पहले लिया है, अब मेरे पापा इस प्रॉपर्टी को बेचें जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये तो 1970-75 की ली हुई है, तब क्या होगा, तो नोट, उसके लिए नोट होगा और क्या होगा, विद्यार्थी जीवन में ये नोट और पोस्ट CA CS जीवन में वो नोट इंपॉर्टेंट है. अभी इन नोट्स पे ध्यान दो, देखो इफ एसेट वॉज एक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 देन हायर ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज ऑन 1/4/2001. अगर आपने एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर करी है तो इन दोनों में जो भी हायर होगा उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे, कब का, एज ऑन 1/4/2001. किसका हायर, क्या क्या, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेकेंड फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001. जो भी हायर होगा उसे 2001 का मान लेंगे. अभी मेरे पास एक बिलारी के एक बड़े बिलारी से आप, अच्छा तो एक साहू साहब है वहाँ, काफ़ी रिनाउंड पर्सन है उनका, वो उन्होंने बोला कि साहब गौरव साहब मैंने जो है एक लैंड बेची है, और तो मैंने कहा अंकल ठीक है, बोले कैपिटल गेन निकाल दीजिए, मैंने मेरे फ़ोन में मैंने कैलकुलेट करके भेजना था. मैंने कहा चलिए मैं कर देता हूँ, आप मुझे इसका सेल तो बताइए क्या सर्किल रेट है, तो बोले नहीं हमने तो बेच दी. मैंने कहा अंकल ऐसे बेचने पे नहीं चलेगा, सर्किल रेट तो चाहिए, उससे ऊपर होगा तो वो चलेगा. और खरीदी कब थी, बोले 1965 में इतने की. तो मैंने कहा आप एक काम करिए, आप 1 अप्रैल 2001 का मुझे फेयर मार्केट वैल्यू बताइए.
बोले ये कहां से बताऊंगा मैं, सिंपल क्वेश्चन है ना, कहां से पता लगेगा। तो मैंने बोला आप रजिस्ट्री ऑफिस जाइए, वहां पे 1 अप्रैल 2001 का सर्किल रेट ले लीजिए, वही फेयर मार्केट वैल्यू होगी, लोगों की रजिस्ट्रियां हुई होंगी उस समय 1 अप्रैल 2001 में उस जगह की लैंड की, वो ले लीजिए, वो मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने बताया साहब ये कॉस्ट तो उन्होंने 1 लाख में ली थी, उस दिन 10 लाख थी। तो मैंने कहा अंकल अब आपकी कॉस्ट हो गई 10 लाख, क्योंकि इन दोनों में जो हायर होगा ये भी डिवाइडेड बाई 100 हो गई, अब हो गए 28,90,000। अब आप बताओ कितने में बेचा, बोले 1,30,00,000 में। मैंने कहा इतने की आपका LTCG हो गया, इस पर टैक्स लगेगा। बोले मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे बचाओ। मैंने कहा वो दूसरा इशू है, बहरहाल ये कैपिटल गेन तो इतना ही हो रहा है आपका, यानी 1 लाख में आपने खरीदी थी, सर्किल रेट 10 लाख हो गया, हायर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड एज 10 लाख, 10 लाख को फिर मैंने इंडेक्स करा और 1,30,00,000 में आपने सर्किल रेट आज का है, डिफरेंस मारो आपका LTCG हो गया। बचने के अभी अभी इतनी प्री मेच्योर स्टेज पे आप नहीं सीख सकते, बचने के लिए अभी एग्जम्पशन है, लास्ट थर्ड पॉइंट लिखवाया एग्जम्पशन अंडर सेक्शन ये वो मिलेंगे जो हमने डिफरेंस में लिखवाया था, तो अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसे ही लोग टकराएंगे आप पे, सैलरी वाला थोड़ी ना आएगा, उसे पता है मुझे सैलरी मिली हुई है उससे क्या। लोग तो इस तरीके की प्लानिंग के लिए अप्रोच करेंगे यूजुअली। तो ये साहब 2001 ये करना पड़ेगा। कुछ एसेट ऐसी हैं जिनमें ये फंडा नहीं लगता, जो हमने 2001 से पहले लिए तब भी ये फंडा नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए गुडविल आपने एक्वायर करी, लोग गुडविल का पैसा देके एक्वायर करते हैं, आप लोगों को पता ही है। दो तरीके की गुडविल होती है, कैट और डॉग, रैट भी होती है उसको छोड़ो, क्या अंतर होता है कैट और डॉग में, हैवंट यू हर्ड, पता ही नहीं आपको, स्ट्रेंज आप यहां तक कैसे पहुंचे, कई बार विषय बनता है। देखिए कैट, अगर आपने देखा हो कैट क्या होती है, आप पुराने जैसे पुरानी भूतिया कोई पिक्चर देखी है तो उसमें पुराना घर खोलिए, जैसे 15-20 साल बाद जैसे घर खोलेंगे तो उसके अंदर से कौन निकलेगा, कूदता हुआ बिल्ली, कभी कुत्ता देखा एकदम भौंकता हुआ निकल आया, कभी सुना देखा कोई पिक्चर देखा हो, कुत्ता नहीं निकलेगा बिल्ली निकलेगी। तो बिल्ली का क्या होता है, बिल्ली को प्लेस से प्यार होता है, कभी सुना बिल्ली बड़ी वफादार होती है, उसे प्लेस से प्यार होता है। कुत्ता क्या होता है, डॉग बोल देते हैं ठीक रहेगा, तो डॉग जो होता है वो क्या करता है, वो मालिक के साथ चला जाता है, उसे मालिक से प्यार होता है, मालिक चला उसके पीछे दुम हिलाता हो वो निकल लिया। सेम गुडविल में क्या होता है बच्चों, गुडविल भी दो होती है, एक कैट एक डॉग, रैट भी होती है, बट वो फिर पार्टनरशिप का इशू है मेरा नहीं। कैट गुडविल प्लेस की गुडविल होती है, डॉग गुडविल पर्सन की गुडविल होती है। लोग गुडविल का पैसा चार्ज करते हैं, जैसे मान लीजिए जिनके ब्रांड्स बन जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर यहाँ एक बढ़िया मिठाई वाला है मुरादाबाद की अगर बात करें, सुगंध वाला, जिसके मालिक का किसी को नहीं पता, तो अगर सुगंध वाला ने 10 करोड़ इन्वेस्ट करा हुआ है अपने बिजनेस में, तो आपको 10 करोड़ में देगा या ज़्यादा में देगा, ज़्यादा में। वो बोलेगा यार तुम इस्टेब्लिश करोगे 10 साल लग जाएंगे इतनी सेल लाने में, आज सुगंध की वजह से लोग आ जाते हैं, तो आई विल सेल माई बिजनेस एट 15 करोड़, 5 करोड़ इज ऑफ गुडविल, Why you are paying that 5 crore? Because आपको इतना जमाने में ये सब चीजों में चक्कर नहीं है, मालिक वो हट गया आप बैठ गए, जो आया उसे कोई मतलब नहीं, वो तो मिठाइयों ही देखने देख के और उसने बुक करा दी, उसे आपकी शक्ल से कोई लेना देना नहीं, यानी और सेल established। बात करते मेरे बिजनेस के स्टूडेंट प्राइड की, मैंने कोई मुर्गा पकड़ लिया, मैंने कहा भाई यहाँ से बड़ा पैसा जनरेट होता है, बट अब मैं जो है जीवन में मेरे को पैसे वैसे से मोह नहीं रहा, मैं चाहता हूँ कि ये जो है बिजनेस मैं तुझे बेचना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि साहब बताइए क्या धंधा होगा, मैंने कहा देख फर्नीचर बिल्डिंग ये वो मिला मिलू के 2 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि रेवेन्यू बहुत आता है, कॉस्ट इतनी है नहीं, रेवेन्यू बहुत आता है, तो गुडविल का पैसा भी हम चार्ज करेंगे, हम क्योंकि 15 साल से इस्टेब्लिश्ड हैं, तो इसलिए हम जो है 1 करोड़ गुडविल का चार्ज करेंगे, वी विल सेल दिस बिजनेस एट 3 करोड़, तो तू बैठेगा और तेरे को फिर पैसा बरसना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला मुर्गा है, उसने मुझे 3 करोड़ रुपए दे दिए, 2 करोड़ का तो उसे सामान मिल गया, 1 करोड़ रुपए मैंने गुडविल के लिए और मैं चला गया। बताइए उसका बिजनेस चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्योंकि मेरी गुडविल के साथ वो गुडविल चली गई। पहली बात ध्यान रखिए, कैपिटल एसेट इज ऑलवेज अ कैट गुडविल, डॉग गुडविल इज नॉट द कैपिटल एसेट।
तो प्रोफेशनल्स की गुडविल सेल होती है तो वहां पे कोई कैपिटल गेन नहीं होता। मैं आगे डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, अभी नोट्स नहीं है। कैट गुडविल की बात करते हैं नाउ। किसी की कैट गुडविल, सुगंध वाले को हमने 15 करोड़ में खरीदा 1995 में, अब आज बेचूंगा तो आज भी गुडविल के पैसे तो लूंगा ही। अब गुडविल का 1 अप्रैल 2001 को फेयर मार्केट वैल्यू क्या था, ये कैसे पता लगेगा भाई? बात ये आएगी कि भाई ये 2001 से पहले की एसेट है, 2001 से पहले की एसेट है तो कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर। तो बोले साहब 2001 की इनकी गुडविल का फेयर मार्केट वैल्यू लाओ, मिल जाएगा क्या? तो ये रूल सब जगह नहीं लगेगा। तो कहते हैं हाउएवर एक्चुअल कॉस्ट इज टेकन इन केस ऑफ फॉलोइंग एसेट इवन इफ इट वॉज परचेज्ड बिफोर 1/4/2001। कौन कौन सी है गुडविल? गुडविल में समझ लेना, प्रोफेशनल गुडविल कभी नहीं होगी, नोट्स से जब पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। सेकेंड लिख लेना लूमार्स, बाद में समझाऊंगा। टूर परमिट, मतलब परमिट्स ले लीजिए, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले सकते हैं आप। यू कैन परमिट्स हैं, परमिट ट्रांसपोर्ट के परमिट्स होते हैं ना, ऑल इंडिया परमिट है तो ऑल इंडिया परमिट जिस बस का बना हुआ होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा, आसान थोड़ी ना है। तो जब परमिट फीस लेता है आदमी तो 1 अप्रैल 2001 को पता लग जाएगी इसकी वैल्यू, कभी भी ना पता लगेगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, कॉपीराइट्स वगैरह ऐसे, बाकी मैं इसको डिटेल में आपको नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा, अभी मोटा मोटा आइडिया के लिए लिखा था। तो इन केसेस में बेटे जब खरीदी जितने में खरीदी वही कॉस्ट मानी जाएगी। आगे एक नोट लिखे, इफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वॉज डन बिफोर 1/4/2001 देन इट इज इग्नोर्ड, इसे इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। अब इन सारी बातों को मिला के एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इन सारी बातों को मिला के एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। एक बिल्डिंग हमने परचेज करी, आज तक जितना पढ़ाया उस सबको मिला के बताता हूँ, 1 अप्रैल 1995 में 10 लाख की इम्प्रूवमेंट कराया 1 अगस्त 1999 में 5 लाख का, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 है 13 लाख। फिर इंप्रूवमेंट कराया एज ऑन 1 अगस्त 2009 में 10 लाख। अब तक जो पढ़ाया सब का क्वेश्चन है ये, सेल करा आपके वाले ईयर में 2 नवंबर 2019 को सेल करा 50 लाख, टैम वैल्यू है 52 लाख। ट्रांसफर एक्सपेंस है 1 लाख। कैलकुलेट कैपिटल गेन, जो पढ़ाया सब लिखा दिया मैंने। सेल कंसिडरेशन 2 नवंबर 2019, 50 लाख रुपए का, स्टैम वैल्यू 52 लाख की है, ट्रांसफर एक्सपेंस 1 लाख के है। मैं ही करा रहा हूं इस क्वेश्चन को, जस्ट टू हैव एन आइडिया है। हाँ, ट्रांसफर एक्सपेंस सेलर कर रहा है,
हम यही अज्यूम करेंगे, बायर कर रहा है तो फिर मेरे लिए वो एक्सपेंस ही नहीं है। ये सारी कहानी मिस्टर ए की है। सो लेट्स कैलकुलेट कैपिटल गेन। व्हाट डू यू थिंक, ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा? लॉन्ग टर्म। अच्छा, एक इम्प्रूवमेंट और करना चाहता हूँ मैं, एक कंसेप्ट इसमें और अच्छे से आ जाएगा फिर आपको। एज ऑन 1 दिसंबर 2018 100,000 का, बेहतरीन क्वेश्चन, इससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो हमने बिना नोट्स के भी आपको आराम से, अभी चैप्टर में कोई नोट्स की कमी नहीं खलील रही होगी, कई बार हमें कुछ लोगों की कमी नहीं खलती, कई बार कुछ चीजों की नहीं होती, तो आराम से हो जाएगा। अब देखिए, सेल कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन भाई साहब 50C लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। क्या मानूं? 52 लैक्स। अरे 50 एक्चुअल है, 52 स्टैंप वैल्यू है, लेस ट्रांसफर एक्सपेंस कितना? 1 लाख। कितना हो गया बाबू? 51 लाख। नेट सेल कंसिडरेशन, इसमें जिसका क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए मुझसे। इसमें कोई क्वेरी है? अरे बाबा 50C लगाया ना यार, सेल कंसिडरेशन 50 लाख का था, स्टैम्प वैल्यू 52 थी, विच एवर इज हायर, ग्रॉस कितना हो गया? 52 माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, इक्यावन लाख लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कब एक्वायर किया था इसे? 95, यानी 2001 से पहले, 2001 से पहले एक्वायर किया है। तो कॉस्ट और एफएमवी, अच्छा ये जो 2001 से पहले की इंप्रूवमेंट है, इसे ऐसे काटना कि दिखे ही नहीं। मैंने क्या नोट लिखवाया कि इंप्रूवमेंट 2001 से पहले की इग्नोर करनी है, वरना कई बच्चे क्या समझते हैं 10, 5, 15 और 13 में 15 ज्यादा है। अरे बच्चा क्या समझता है, बोले 10 की खरीदी, 5 का इंप्रूवमेंट, 15 और 13, तो इस पर ध्यान नहीं देना। तो अभी 10 और 13 में क्या ज्यादा हो गया? 13 डिवाइडेड बाई 100 × 289, बताइए। सैतीस लाख 57,000। देन इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट हुई है बेटा, एक इंप्रूवमेंट हुई है अगस्त 9 को 10 लाख की। अगस्त 9 मतलब पीवाई 9-10, पीवाई 9-10 का है 148 इंटू 289, उन्नीस लाख 703। फिर एक और इंप्रूवमेंट हुई है 1 लाख की। अब जहां जरा देखने की बात है, ये इंप्रूवमेंट कब हुई है? दिसंबर 18 में। बताइए इसकी इंडेक्सेशन होगी या नहीं होगी? अभी 11 महीने पहले इंप्रूवमेंट हुई है। यही गलती होती है, एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? वंस द एसेट इज प्रूव्ड एज लॉन्ग टर्म, तो हर एक चीज की इंडेक्सेशन होगी। ये मतलब नहीं है कि वो कब कराए, अगर वो इस साल भी कराया होता तो डिवाइडेड बाय 289 इनटू 289 करना होता मुझे। हर इंडिविजुअल को वो नहीं करना है, लॉ में एसेट डिफाइंड है लॉन्ग टर्म, गेन डिफाइंड नहीं है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 280 इनटू 289 कितना? 1,240,000। इसको घटा देंगे बेटे, लॉस आ जाएगा 51 लाख में से ये सब जाएगा, तो ये बनेगा हमारा LTCL। ये मैंने आपको पढ़ाया अब तक, मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा समस्या की बात है अभी तक, तो सिंपल लग रहा होगा, डिटेल्ड हमने आपको सारी दे दी। ये लेक्चर हम YouTube पे अपलोड करेंगे first 2, सो दैट कि जब भी आपको दिक्कत हो, यहाँ तक बेसिक्स है ना, क्योंकि बेसिक्स आप जितनी बार रिवाइज कर लेंगे उतना बेटर रह जाएगा। कितना लॉस बना फाइनली? चलो जो भी बना होगा।
ठीक है, बाय बाय फिर।